शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीआरएस नेता के कविता और चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। राउजवनी कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को केजरीवाल और कविता दोनों को 7 मई को दोपहर 2 बजे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च की रात गिरफ्तार किया था। 7 मई को दोबारा इस मामले की अगली सुनवाई होगी। 15 अप्रैल को कोर्ट की ओर से इस मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया था। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को 15 मई के लिए सूचीबद्ध कर दी है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने एजेंसी की ओर से सौंपे गए जवाब पर आपके नेता को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। के कविता पर ईडी ने कहा कि हम अभी भी कविता की भूमिका की जांच कर रहे हैं। अगर उसे जमानत पर बाहर आने दिया गया तो जांच में बाधा और सबूतों से छेड़छाड़ की पूरी संभावना है। हम 60 दिनों के भीतर अभियोजन चार्जशीट दाखिल करेंगे। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि जब कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने भी पुष्टि की थी कि वो जांच में बाधा डाल सकती है और छेड़छाड़ कर सकती है, जबकि के कविता के लिए वकील ने कहा कि ईडी ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग के लिए अपनी अर्जी में कोई नया आधार नहीं बताया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ईडी द्वारा 9वां समन जारी किए जाने के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उधर केजरीवाल को तिहाड़ में पहली बार इंसुलिन दी गई है। जेल में केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था। उनका शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। इसके बाद उन्हें इंसुलिन दी गई है। शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहली बार इंसुलिन दी गई है। 10 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों और आपके अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम था, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के उक्त आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया, लेकिन कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।